अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो पावर फैक्टर होता है उसको इम्प्रूवमेंट के लिए जो हम बेसिकली कैपेसिटर इंस्टॉल करते हैं उनको किस तरह इंस्टॉल किया जाता है वो आपको आज मैं दिखाऊंगा। तो ये आप अगर देखें तो इस पैनल के अंदर 800 kVAR का जो कैपेसिटर बैंक है वो हमने इंस्टॉल किया हो गया है, और इसको हमने बेसिकली डिवाइड किया है स्टेजेस के अंदर, डिफरेंट स्टेजेस के अंदर 12 स्टेजेस के अंदर इसको हमने बेसिकली डिवाइड किया है। अगर आप देखें तो फर्स्ट स्टेज से लेके आठवीं जो स्टेज है वहाँ तक बेसिकली 50-50 kVAR का एक एक कैपेसिटर हमने लगाया। दूसरी तरफ अगर हम आपको दिखाऊँ, ये 9 से लेके 12 तक बेसिकली हमने इसको 100 kVAR के ऊपर हमने इसको डिवाइड किया है, ये टोटल बनता 800 kVAR। ये पावर फैक्टर मीटर होता है, वहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें पावर फैक्टर जो है इसके अंदर वेरिएशन आ रही है। अभी ये है 0.921 चल रहा है बेसिकली, ये ऑटोमेटिकली ये लग रहा है बेसिकली। इसको हमने, अगर ये आप ये स्विच देखें, ये हमने इसको ऑटो के ऊपर सेट किया हुआ है। तो ये रिले लगी हुई है बेसिकली, ये क्या करवाएगी, जैसे ही पावर फैक्टर जो है वो डिक्रीज होगा तो जो रिले होगी वो इसको मतलब जितनी की ज़रूरत होगी वो उसको क्या करवाएगी, कनेक्ट करवा देगी बस बार के ऊपर थ्रू मैग्नेट कॉन्टैक्टर के थ्रू। जैसे ही इंक्रीज होगा एक जो स्पेसिफिक मैक्सिमम और जो मिनिमम रेंज हमने इसको दी हुई है मीटर के अंदर, इस मीटर के अंदर हमने एक रेंज दी हुई रिले के अंदर रेंज दी हुई है। जैसे ही अगर आप देखें तो अगर मैक्सिमम और मिनिमम रेंज को ये मीट करे तो या इसको कट ऑफ करवाएगा या इसको इसके साथ कनेक्ट करवाएगा। तो ये इसको हमने बेसिकली करवाया ऑटो के ऊपर हमने इसको किया हुआ है, तो ये ऑटोमेटिकली इसको ऑपरेट करवा रहा है। अगर मैनुअल के ऊपर इसको करेंगे तो हम मैनुअली भी इसको सेट कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के साथ लगा सकते हैं, कट ऑफ करवा सकते हैं। अब मैं आपको पैनल के अंदर से दिखाता हूँ कि इसको इंस्टॉल किस तरह किया जाता है कैपेसिटर को। ये देखें कैपेसिटर जो है इंस्टॉल किए गए हैं, ये इनको बेसिकली पैरेलल में बस बार के साथ अटैच किया गया है। अगर ये देखें सामने, ये चारों जो हैं ये कैपेसिटर पड़े हुए हैं 50-50 kVAR के। अगर मैं आपको नज़दीक से दिखाऊँ, ये कैपेसिटर आप देख लें 50 kVAR का एक कैपेसिटर है। अगर मैं आपको बताऊँगा इनको हमने किस तरह बस बार के साथ कनेक्ट किया है, तो आप देखें ये जो कैपेसिटर है इसको बेसिकली 3 वायर्स आ रही हैं थ्रू कॉन्टैक्टर, फिर उसकी प्रोटेक्शन के लिए बेसिकली हमने इसके ये लगाए हुए हैं फ्यूजेस लगाए हुए हैं। उसके बाद हमने फ़ौरन इसको बैक साइड पे अगर आपको नज़र आए वो बस बार उसके साथ हमने डायरेक्टली कनेक्ट किया गया है, यानी कि इधर से जो एक है उसको लग से कॉन्टैक्टर के थ्रू फ्यूज़, और दूसरा देखें वो भी इसी सीक्वेंस के साथ है, थर्ड वो भी इसी सीक्वेंस के साथ हमने इसको लगाया गया। फर्दर जो ऊपर देखें वो पिछले वाले जो बैक साइड पे आपको नज़र आ रहे होंगे वो बैक साइड पे, उनको हमने उसी सीक्वेंस के साथ हमने पीछे वाली साइड पे इंस्टॉल किया गया। तो जो कैपेसिटर होते हैं इनको पावर फैक्टर जो इम्प्रूवमेंट के लिए हम पैरेलल में इंस्टॉल करते हैं, तो इसका जो ये प्रोसीजर होता है इसके थ्रू हम इसको इंस्टॉल करते हैं। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी कि किस तरह पावर फैक्टर जो है इम्प्रूव करने के लिए कैपेसिटर को इंस्टॉल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।